हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। देवों की इस भूमि में आज भी लोग उन परंपराओं को पूरी निष्ठा से निभाते हैं जिसकी वजह से हिमाचल का नाम देवभूमि पड़ा। आज हम बात कर रहे हैं जिला कांगड़ा में स्थित शक्तिपीठ ब्रजेश्वरी देवी मंदिर की। वैसे तो इस मंदिर की अपनी एक अलग कहानी है, लेकिन मकर संक्रांति यानी आज के दिन इस मंदिर में माता की विशेष पूजा होती है। माता की पिंडी पर माखन का लेप लगाया जाता है और ये माखन खास तौर पर घी से तैयार होता है। अब आप हैरान होंगे कि माखन से घी तैयार होते तो सुना है, लेकिन घी से माखन नहीं। लेकिन हम आपको बता दें कि यहां मान्यता ऐसी है कि माखन सिर्फ इसी मंदिर में तैयार होता है। घी को 101 बार ठंडे पानी में धोकर माखन तैयार किया जाता है, जो अपने आप में एक आश्चर्य है। ये माखन माता के घावों को भरता है और इसे दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये घी से तैयार किया जाता है। श्रद्धालु घी हमें देके जाते हैं, जिसे हम पानी में 101 बार धोकर इसे मक्खन के रूप में तैयार करते हैं। नेचुरली आपने सुना होगा कि मक्खन से घी तैयार होता है, तो माई जी की कृपा ऐसी है कि यहाँ पे घी से मक्खन तैयार किया जाता है, जो 14 जनवरी को माँ के ऊपर चढ़ाया जाएगा और उसको 20 तारीख जनवरी को उतारा जाएगा। उसके बाद वो एक प्रसाद बन जाता है, एक मेडिसिन बन जाती है, दवाई बन जाती है, जिससे स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी दूर हो जाती हैं और दूर होती हुई हमने देखी भी है। दरअसल मान्यता यह है कि जलंधर नामक दैत्य को मारते वक्त माता के शरीर पर कई घाव आए थे। इन घावों को भरने के लिए देवताओं ने माँ के शरीर को घी का लेप किया। इसी परंपरा को सदियों से आगे बढ़ाया जा रहा है और इस मौके पर मंदिर में विशेष जागरण भी होता है। इस बार जो है वो 25 क्विंटल और 32 केजी जो है घी मक्खन बना करके तैयार कर लिया गया है, जो कि माता की पिंडी पे जो है वो अर्पित किया जाएगा। इस बार मंदिर प्रशासन ने ट्रस्ट की मीटिंग में ये डिसीजन लिया कि इस बार जो है जागरण मंदिर प्रशासन स्वयं करवाएगा। इस जागरण के उपलक्ष्य में जो है प्रशासन ने बहुत सी तैयारियां की हैं, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मंगवाई हुई है, होम गार्ड्स का अरेंजमेंट किया हुआ है, फिर किसी को अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए एक फार्मासिस्ट बुलाया गया है, उसके साथ एक सहायक होगा। अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होती है किसी को भी, तो उसके लिए जो है वो पूरी तैयारी की गई हुई है। एक सप्ताह तक इस लेप को माँ के पिंडी पर रखा जाता है। इस दौरान हजारों की तादाद में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। एक सप्ताह बाद माखन को उतारा जाता है और इसे प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। मान्यता है कि माखन को शरीर पर लगाने से छोटी मोटी बीमारियां दूर हो जाती हैं। आस्था के मंदिर की विशेष कहानी प्रदेश भर में नहीं देश भर में मशहूर है। दूर दराज से लोग इस मौके पर यहाँ आते हैं और प्रसाद के तौर पर माखन लेकर जाते हैं। कांगड़ा से मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।